देश में भारतीय जनता पार्टी फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर लोगों में झगड़े लगा रही है। ऐसा आरोप लगाते हुए कांग्रेस विचारधारा जन जागृति अभियान समिति ने आज वैरायटी चौक पर आंदोलन कर निषेध व्यक्त किया है। देश में हाल ही में 4 राज्यों के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने भारी मात्रा में जीत हासिल की है। ये जीत अंग्रेजों के नक्शे कदम पर चलकर फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाकर मिली है। ऐसा आरोप कांग्रेस विचारधारा जन जागृति अभियान समिति के कार्यकर्ताओं ने भाजपा पे लगाया है, जिन्होंने आज निषेध व्यक्त करते हुए वैरायटी चौक पर आंदोलन किया है। कांग्रेस विचार जन जागृति अभियान की ओर से आज हमने यहाँ धरने का कार्यक्रम रखे हैं। देश में जो एक नफरत की राजनीति आरएसएस और बीजेपी वाले कर रहे हैं, अंग्रेजों ने 200 साल इस देश में तोड़ने की, बांटने की, भाई को भाई से लड़ाने की राजनीति की है, उसी को, उन्हीं के सपनों को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी और आरएसएस वाले कर रहे हैं। मणिपुर 6 महीने से जल रहा है, कुकई और मैथिली समाज के आरक्षण के लिए 6 महीने में वहाँ 150 लोगों की जान चले गई, हजारों लोग बेघर बार हो गए, अब कई लोगों को, महिलाओं को नग्न करके उनको घुमाया गया, उनका उनके साथ बलात्कार किया गया, और वहाँ की आग ठंडी भी नहीं हुई है, तो उसके बाद में इन्होंने महाराष्ट्र में मराठा और ओबीसी समाज के बीच में एक नफरत फैलाने का और बांटने का, समाज को बांटने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका हम लोग यहाँ पे निषेध करने के लिए आए हैं। और बीजेपी की और आरएसएस की जो नीति है फूट डालो राज करो की, इसका हम निषेध करते हैं। और राहुल गांधी ने जो, राहुल जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से देश में एक मोहब्बत की दुकान खोलने का जो बीड़ा उठाया, उसके समर्थन में हम लोग यहाँ सब बैठे। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ पार्षद बाबा शेड़के जी, मेरे और एक वरिष्ठ पार्षद विजय बाबरे जी, सेवा दल के महाराष्ट्र के प्रमुख राम गोविंद जी खोपरागढ़ है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक आनंद सिंह जी ठाकुर, और बाकी के हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए। और हमारी मांग है कि आरक्षण सभी को मिलना चाहिए। अंग्रेजों ने 200 साल राज करे, फूट डालो और राज करो, वही नीति इन लोग पहले हिंदू मुस्लिम करे, मणिपुर में मेताई कुकई करे, महाराष्ट्र में अब इन लोग ने मराठा और ओबीसी के बीच में यही नफरत फैलाने का और जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इसका इन लोग को तुष्टिकरण का इनको फायदा मिलता है। इनका शुरू से ही ऐसा नीति रही है कि जो अंग्रेजों की नीति थी, उनके जो अधूरे सपने बचे हुए काम है वो पूरा करने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रही है। नहीं, महाराष्ट्र में तो इनका फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेगा, उसका कारण ऐसा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत है, उसके बाद में शिवसेना के साथ में जो इन्होंने तोड़ फोड़ की है, उनके जो आमदारों को 50-50 खोखों में लेके गए हैं, उसका जनता इनको ये करेंगी, सजा देंगी। उसके बाद में शरद पवार साहब ने एक राष्ट्रवादी पार्टी को पूरे देश में खड़ा किया था, उसको, उनको भी, उनके भतीजे को, यानी एक ने बाप चुरा लिया और एक ने भतीजा चुरा लिया। तो ये, और बाकी के लोग जो इनके जो बीजेपी और आरएसएस वाले, वो जनादेश चुरा रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में भारी जीत हासिल की है। अब ये जीत किस तरह हासिल की है, इसे लेकर भले ही सवाल खड़े हो, मगर ये सच है कि बीजेपी को भारी जीत हासिल हुई है। कांग्रेस ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पार्टी कहां कम पड़ रही है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट।